उत्तराखंड के द्वाराहाट बीजेपी विधायक महेश नेगी पर रेप का संगीन आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक महेश नेगी पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने का प्रकरण में विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की मांग है कि महेश नेगी अपना डीएनए टेस्ट कराएं ताकि पूरा सच जनता के सामने आ सके। वहीं इस मामले में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आए और कहा कि महेश नेगी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट कानूनी प्रक्रिया है, डीएनए टेस्ट करना ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये कानून का काम है और कानून अपना काम अच्छे से कर रहा है। देखिए, डीएनए टेस्ट कोई सरकार के हाथ में नहीं होता है। डीएनए एक कानूनी प्रक्रिया है और वो कानूनी प्रक्रिया से ही उसको पूरा किया जा सकता है। महेश नेगी ने स्वयं कहा है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो मैं समझता हूँ वो तैयार हैं। तो जब एक प्रक्रिया पुलिस के अधीन चल रही है, अब कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। कई बातें इसमें ऐसी हैं कि जो तकनीकी रूप से उसी से उसको दूर किया जा सकता है। उसमें हमारा संविधान है, महिलाओं से जुड़े हुए कानून हैं, बच्चों से जुड़े हुए कानून हैं, तमाम मसले हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि उसमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी ने अपने 4 विधायकों के लिए नोटिस जारी किया है। पार्टी ने इन विधायकों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 4 विधायकों को प्रदेश कार्यालय बुलाया है। आने वाली 24 अगस्त को 4 बीजेपी विधायकों की क्लास लगने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल, खानपुर के कुंवर प्रणव चैंपियन, द्वाराहाट विधायक मनीष नेगी, लोहाघाट से पूरन सिंह फरतेयाल को नोटिस भेज दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोपों की बात चल रही है आजकल, तो इसलिए 4 विधायकों को हमने बुलाया है ताकि वो अपनी बात बता सकें। उसमें प्रवर कुंवर चैंपियन साहब हैं जिनको निष्कासित किया गया था और उनसे बातचीत करनी है। एक कर्णवाल जी हैं, एक पूरन फरतियाल जी हैं, एक महेश नेगी जी हैं। कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई बात पर चर्चा में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 24 तारीख को उनको बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जा सके और वस्तुस्थिति से हम ठीक से अवगत हो सके और वो भी अपनी बात को पार्टी के लेवल पर रख सके, इसके लिए कार्यक्रम। आपको बता दें कि लंबे समय से बीजेपी पार्टी के विधायक आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर पार्टी ने 24 अगस्त को 4 विधायकों को प्रदेश कार्यालय में बुलाया है, जिसमें विधायक आरोप प्रत्यारोप सहित अन्य शिकायतों को लेकर स्पष्टीकरण देंगे और अपना पक्ष रखेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।